गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट नंबर 9 जिसका नाम है आत्मबोध। ठीक है, कहता है लालच एक बड़ा दुर्गुण है, ये संग्रह की प्रवृत्ति को बल देता है जो समाज के असमानता और असंतोष का कारण बनती है। कहते हैं कि लालच जो होती है ये एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। ठीक है, ये क्या करता है, संग्रह क्या होता है, लड़ाई, कि लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, और समाज में क्या करता है, असंतोष, मतलब कि शांति से रहने, शांति बनी रहने देता। ये लालच व्यक्ति को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। प्रस्तुत पाठ का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को दुर्गुणों से दूर करना है। कहने का मतलब कि ये कहते हैं कि लालच जो होता है ये इंसान को क्या कर देता है, बुराई की ओर लेके जाता है, बुरे गुण उस पर लाता है। तो इस उद्देश्य में ये बताया गया कि हमें लालच जो है इसे दूर रहना चाहिए। कहते हैं बहुत दिनों की बात है, भारतवर्ष में गंगा नदी के तट पर हरिण्याब नाम का एक साधु रहता था। कहता बहुत देर की बात है, ठीक है, बहुत दिनों की बात है कि भारतवर्ष में, मतलब भारत देश में गंगा नदी के तट पर हरिण्याब नाम का एक साधु रहता था। ठीक है, उसने अपना घर परिवार सभी त्याग दिया था, उसने अपना फैमिली वगैरह सबको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। वह अकेले ही वन में रहता और भगवान का भजन करता था। वह अकेले ही वन जंगल में रहता था और भगवान का भजन करता था, मतलब प्रार्थना वगैरह करता था। उस साधु में अनेक गुण थे, उस साधु में क्या थे, बहुत सारे गुण थे, जैसे कि वह दूसरों की सहायता करता था, प्राणी मात्र पर दया करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण भी था, वह था लालच। कहते हैं वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, मतलब सभी की सहायता करता था, हर प्राणी की सहायता, हर इंसान की सहायता करता, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण था। अवगुण क्या था, कि वो क्या था, लालची था थोड़ा। उसने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास जमा कर रखी थी। उसने कहा सोने की कुछ मुद्राएं, मतलब जैसे पैसे होते हैं हमारे, वैसे सोने के पैसे जो थे वो कुछ अपने पास जमा करके रखे थे। ना तो वह उन्हें किसी को देता था और ना स्वयं ही उस धन का कोई उपयोग करता था, ना वह स्वर्ण मुद्राएं किसी और को देता था और ना ही वो क्या करता था, मतलब खुद उनको यूज करता था। एक बार वह साधु सोचने लगा कि मेरी आयु बहुत हो गई है, पता नहीं कब मृत्यु का ग्रास बनना पड़ जाए, अतः एक बार सभी तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए, इसी बहाने कुछ परोपकार भी हो जाएगा। एक बार उस साधु ने क्या सोचा कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पता नहीं कब मेरे को मृत्यु प्राप्त हो जाए, तो मुझे सारे तीर्थ स्थलों की क्या करनी चाहिए, यात्रा कर लेनी चाहिए, इससे कुछ परोपकार, मतलब चलो कुछ दया वाला काम हो जाएगा। ठीक है, इसी बहाने प्राचीन भारत की प्रथा थी कि सन्यासी तीर्थों में एकत्रित जन समुदाय को उपदेश देते थे, उनकी विविध समस्याओं को वे सुलझाने का प्रयास करते थे। तो पहले क्या होता था, भारत की ये प्रथा थी कि ठीक है जो सन्यासी तीर्थ होते थे वो ठीक है लोगों की समस्याओं को क्या करते थे, सुलझाते थे, मतलब सॉल्व करते थे। इस प्रकार वे जन कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते थे और इसी प्रकार वो क्या करते थे, जो उनका एक मतलब फर्ज था कि लोगों की सहायता करना, ठीक है, वो करते थे। कहते हरिण्याब ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। अब वो साधु जो था उसने क्या कर दिया था, यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। अपने वस्त्र और सतु उसने एक पोटली में बांध ली, अपने कपड़े वगैरह जरूरतमंद चीजें थी वो क्या की, एक पोटली में बांध ली। धार्मिक पुस्तकें जप करने की माला आदि भी रख ली, और जो धार्मिक रिलीजियस बुक्स होती हैं, ठीक है, और माला जो होती है जिससे जपते हैं, नाम जपते हैं भगवान का, वो भी उसने रख लिया था। अपने स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी उसने उसी पोटली में छिपा कर रख ली थी। जो सोने की मुद्राएं जो थी ना, वो वाली थैली भी उसने अपनी पोटली में रख ली थी। पीठ पर पोटली लादे, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में लाठी लेकर वह गंगा नदी के किनारे किनारे पद यात्रा करने लगा। पीठ पर अपनी पोटली उसने रखी और हाथ में एक कमंडल लिया, ठीक है, और हाथ में एक दूसरे हाथ में क्या ली, लाठी, मतलब लकड़ी ली, ठीक है, और नदी के किनारे किनारे पैदल पैदल यात्रा करने लगा। इस प्रकार मार्ग में रुकते चलते हरिण्याब कुछ दिनों बाद सात ऋषियों की स्पोथली स्पत सरोवर जा पहुंचा। इस प्रकार क्या हुआ कि वो चलते 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 सात दिनों के बाद वो ऋषियों की जो मतलब वो सरोवर था ना, जहाँ पे बाकी ऋषि थे, वहाँ पे जा पहुंचा। वहाँ एक दो दिन रुकने के बाद उसे बद्रीनाथ जाना था, एक दो दिन वहाँ पे उसको रुकना था, देन उसने क्या करा था, बद्रीनाथ जाना था। मार्ग में अनेक तीर्थ यात्री भी मिलते रहे थे, बद्रीनाथ। अब तक का रास्ता तो सीधा था, ठीक है, मतलब नॉर्मल जैसे सीधा था, सीधे सीधे जाना था,
ठीक है, वह गंगा के किनारे किनारे चलता रहा था, वो गंगा के किनारे किनारे क्या करता चलता जा रहा था। मार्ग में अनेक तीर्थ यात्री भी मिलते रहे थे और उसे मार्ग में बहुत ज़्यादा और भी तीर्थ यात्री तीर्थ पर जा रहे थे, वो यात्री भी मिल रहे थे। परंतु अब उसे पहाड़ों की दुर्गम चट्टाने भी चढ़ी थी, लेकिन अब आगे क्या आगे पहाड़ आगे जिसको उसने क्या करना था चढ़ना था। रास्ते में बहुत सारे यात्रियों के मिलने की भी आशा नहीं थी और अब क्या था कि उन वहाँ पे और ज़्यादा यात्री मिले या यात्री और भी कंपनी उसको मिले ऐसी भी कोई भी मतलब आशा नहीं थी कि उसको और लोग मिले अपनी कंपनी के लिए। हरिन्याग ने सुन रखा था कि पहाड़ी कंदराओं और घने वनों में लुटेरे छिपे रहते हैं और साधु ने सुन रखा था कि ये वाले जंगल में ठीक है या पहाड़ियों में क्या है यहाँ पे कुछ लुटेरे होते हैं ठीक है, जहाँ पे छिपे होते हैं वह रास्ता चलते यात्रियों को लूट लेते हैं और वो उस रास्ते पे चल रहे यात्रियों क्या करते हैं लूट लेते हैं, उनके पास जो भी सामान होता है उसे क्या कर लेते हैं छीन लेते हैं। क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी वाला पार्ट जो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।